दोस्तों, प्रकृति की गोद में बसा झारखंड अपने हरे भरे जंगलों, झरनों, पहाड़ियों और नदियों के साथ साथ नेतरहाट के लिए भी खास तौर से जाना जाता है। छोटा नागपुर की रानी के नाम से मशहूर नेतरहाट एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां साल भर सैलानियों की भीड़ नजर आती है। खूबसूरती का मनोरम उदाहरण पेश करता यह स्थल अपने सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य को देखने के लिए भी बेहद मशहूर है। 2489 वर्ग मीटर में फैले नेतरहाट के नाम की उत्पत्ति नेचरहाट से हुई है। इस जगह का तापमान साल भर 20 से 25 डिग्री के आसपास ही रहता है, जो पर्यटकों को खूब लुभाता है। यहाँ पर ना जाने ऐसी कितनी ही जगह है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं नेतरहाट की सैर पर। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नोलिया पॉइंट की। दोस्तों, सनसेट पॉइंट के नाम से मशहूर मैग्नोलिया पॉइंट पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो नेतरहाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह को लेकर एक चरवाहे की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। दरअसल यहाँ पर एक चरवाहा हुआ करता था, जो बांसुरी बजाता हुआ मवेशियों को चराने के लिए आता और सनसेट पॉइंट पर बैठ जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में मैग्नोलिया नाम की एक ब्रिटिश लड़की को बांसुरी बजाने वाले से प्रेम हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस बात की जानकारी मिलते ही चरवाहे की हत्या करवा दी गई, और वहीं इस बात की खबर मिलती ही मैग्नोलिया घोड़े के साथ सनसेट पॉइंट पहुंची और घोड़ा सहित पहाड़ से कूद गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आज भी वो पत्थर मौजूद है जहां चरवाहा बांसुरी बजाया करता था। प्रशासन ने इस स्थल को खूबसूरत प्रतिमा से सजाया है। चारों ओर से प्रकृति से घिरी इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस प्रतिमा को निहारते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लोध जलप्रपात। हरियाली के बीचों बीच बहते झरनों का पानी मन को ठंडक और सुकून पहुंचाता है। इसी सुकून की तलाश में लोग यहाँ के लोध जलप्रपात का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचते हैं। 468 फीट ऊंचे इस झरने से गिरने वाली पानी को देखने और आदिवासी जनजीवन का अनुभव करने के लिए इस जगह का रुख करते हैं। नेतरहाट से 61 किलोमीटर की दूरी पर बने इस जलप्रपात को बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं घाघरी वाटरफॉल की। दरअसल घाघरी वाटरफॉल दो झरनों से मिलकर बना हुआ है। इनमें से एक नीचे बहता है और दूसरा ऊपर, इसलिए एक को निचला घाघरी वाटरफॉल कहा जाता है और दूसरे को ऊपरी घाघरी वाटरफॉल का नाम दिया गया है। देखने में ये झरने बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। निचला घाघरी झरना अपने आप में बेहद खास है। यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूरी पर बने इस झरने में 32 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। वहीं ऊपरी घाघरा झरना नेतरहाट के करीब 4 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। यहाँ की खूबसूरती भी बेहद अलग है। इसके आसपास घने जंगल नजर नहीं आते हैं। ऐसे में यह जगह पिकनिक के लिए परफेक्ट है। अगर आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ नेतरहाट आते हो तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नाशपाती के बाग की। अन्य हिल स्टेशनों की तरह नेतरहाट में भी चीड़ के पेड़ और नाशपाती के बाग दूर दूर तक फैले नजर आते हैं। नाशपाती गार्डन में आपको हर ओर फूल खिले हुए नजर आएंगे। पेड़ों की छांव और दिल को सुकून पहुंचाने का वातावरण आपको रुकने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आप नेतरहाट आए तो नाशपाती गार्डन देखना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी नेतरहाट की प्रमुख पर्यटन स्थल। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से जरा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।